हेलो, मैं हूँ डॉक्टर रणवीर। आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेबी के पेट में गैसेस होते हैं। तो लेट्स बिगिन। सपोज बेबी के पेट में गैसेस होने की वजह कॉमनली क्या होती है? काफ़ी पेरेंट्स अपने बेबीज को बॉटल फीडिंग करते हैं, ठीक है। अगर बॉटल फीडिंग आप कर रहे हो तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमारे पास बेबी की फीडिंग बॉटल नहीं है, तो हम इस नॉर्मल सलाइन के बॉटल को कंसिडर करते हैं कि ये मिल्क बॉटल है। तो जब आप बेबी को फीडिंग करवाते हो, सपोज ये सलाइन की बोतल जो है, ये मिल्क बोतल है और ये उस बोतल का निपल है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। जब भी आप बेबी को फीड करवाते हो, ये बेबी का माउथ है। फॉर एग्जांपल, आप इस तरह से बोतल बेबी के माउथ को लगाते हो, तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है हाफ पोर्शन जो है निपल का, उसमें एयर है और हाफ पोर्शन जो है उसमें कंप्लीटली मिल्क भरा हुआ है। तो उस वजह से क्या होता है ना, तो बेबी के पेट में मिल्क के साथ साथ एयर भी चला जाता है। तो एयर जाने की वजह से बेबी को डिस्टेंशन यानी कि पेट फूलना वगैरह ये शिकायतें हो सकती है, जिससे कि बेबीज रात में रोना वगैरह ये प्रॉब्लम्स काफी आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जब भी आप फीडिंग कराओगे बेबी को, तो उस वक्त क्या करना है आपको, ये बॉटल कम्प्लीटली ऐसे टिल्ट करना है, यानी कि ये जो निपल है इसमें कम्प्लीटली मिल्क फील होगा, एयर का कोई पोर्शन नहीं होगा। और एयर अगर पेट में ना जाए तो डिस्टेंशन की वजह से बेबीज क्राई नहीं करेंगे। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर इट एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर।